हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और सुबह के 4 बज रहे हैं अभी जो है धाम में। हम रात में आराम करने के बाद अब जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं और सुबह के 4 बजे। लेकिन चहलकदमी इतनी बढ़िया है कि आप सोचिए, यहाँ पर मार्केट्स लगनी शुरू हो चुकी हैं और सभी जो है वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अब आगे मिलते हैं आपसे। सुबह जो है कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आगे पूजा पाठ होगी। फिलहाल पहले स्नान, गंगा स्नान, उसके बाद बाकी सारे काम। सुबह के 4 बजे देखिए पूरी चहलकदमी। ये टेम्पल खुल चुका है, हालांकि रात के 1-2 बजे ही आवाज़ें आ रही थी। मार्केट जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर मार्केट लगनी शुरू हो चुकी है। ये मंदिर खुल चुका है सुबह, हालांकि 1 बजे से ही आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और इसीलिए जो है सुबह सुबह 4 बजे देखिए मंदिर खुल चुका है। हम जा रहे हैं स्नान की ओर। हम जा रहे हैं। अंधेरा है। धाम में नीचे की तरफ, सीढ़ियों की तरफ, ये है घाट। और यहाँ पर हम करेंगे पहले गंगा स्नान। पुलिस लगी हुई यहाँ पर, यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। घाट में स्नान भी चल रहा है। पूरा में डुबकी लगाने के बाद हम जा रहे हैं, पूरा गंगा स्नान हमने किया यहाँ पे। मजा आ गया, चाहे भगवान सारे पाप धो देना हमारे। तो देवघाट धाम की मान्यताओं की अगर बात की जाए तो हिंदुओं का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण ये घाट हिंदुओं की परंपरा में खास महत्व रखता है। देवघाट धाम में भगवान विष्णु का वास है और ये भी कई ऋषि मुनि आज भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आज भी जो है देवी देवता यहाँ पर इस घाट में स्नान करने के लिए आते हैं। तो हिंदुओं का खास ये धार्मिक स्थल है और इसीलिए आज भी जो है ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो की जाती है। सुबह सुबह ही आप देखिएगा कि 4 बजे से पहले ही आप सोचिए कि यहाँ पर पूजा पाठ हो जाती है। इसके अलावा शालिग्राम पत्थर को विष्णु का अवतार माना जाता है और वो शालिग्राम पत्थर इसी घाट में पाया जाता है, जो कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या भी भेजा गया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि काली गंडकी, त्रिशूला नदी मिलकर नारायणी नदी ये बनती है। तो 3 नदियों का ये संगम इस घाट को, जिसे देवघाट कहा जाता है, जो कि नवलपरासी, तनऊ, चितवन जिले के मध्य भाग में है। और ये भी साफ तौर पर जो नदी यहाँ से बहती है, कहा जाता है कि ये सिर है, ये दरअसल गंगा का सिर है, क्योंकि यहीं से नदियाँ निकलकर अलग अलग देशों में और घाटों में बहती है, क्योंकि हिमालय की छोर पर यह है। तो नेपाल के मध्य भाग में स्थित देवघाट धाम जो है हिंदुओं के लिए बहुत खासा महत्व रखता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु वशिष्ठ गुरु यहाँ पर जो है तपस्या कर चुके हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं। सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल यहाँ पर है। तो बहुत खास मान्यता इस जो है धाम की है। इसके अलावा ये भी यहाँ पर माना जाता है, हालांकि इसको लेकर जो है अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है साफ तौर पर कि जिस धरती पर सीता माँ जो है धरती माँ की गोद में समा गई थी, वो धरती यही पवित्र भूमि थी। और इसीलिए देखिए, ये जो है सीता मैया का जो ज़मीन में समा देने वाली जो जगह थी, वो इस जगह पर पूजा पाठ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि धरती माँ में जो है इसी धरती पर, इसी जगह पर जो है सीता मैया धरती माँ की गोद में समा गई थी। तो अलग अलग मान्यता इस देवघाट धाम के हैं। भगवान विष्णु का वास यहाँ पर है और बड़े बड़े जो है ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं। कई देवी देवताओं का यहाँ पर वास माना जाता है। इसलिए यहाँ पर खास बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होती है। हम भी सुबह सुबह उठे, स्नान किया और हम निकल पड़े ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने और यहाँ पर दर्शन करने के लिए महादेव के, भोले बाबा के। और ये छोटे छोटे बच्चे सुबह 4 बजे ही मंदिर में पहुंच चुके थे आरती करने के लिए। दरअसल ये बच्चे यहाँ पर विद्या सीखने आते हैं, यहाँ पर विद्यालय भी है जहाँ के छात्र हैं। देखिए कितने छोटे बच्चे और सुबह सुबह पूरा आरती का जो है ये बात कर रहे हैं। जय जय सांबा।
और अब बज चुके हैं सुबह के 6, जब हम निकल पड़े हैं पूजा करने को। बोल बम। तो अब सावधे स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में। मैंने जो है प्रसाद अपना वो ले लिया है प्रॉपर्टी पूजा करने के लिए। हालांकि मम्मी लोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो जो है दादाजी का श्राद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं करूंगी अपनी फैमिली से अलग। सो सभी ने जो है अपना अपना प्रसाद यहाँ से ले लिया है और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ पूजा पाठ करने। बोल बम बोल बम। क्योंकि आज सोमवार है, सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए लोगों की भीड़ जो है जुटनी शुरू हो गई। अभी सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है और 6 बजे ही जो है आप सोचिए कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की हो गई मंदिर में। हालांकि सुबह 4 बजे जब हम आए थे तो आरती हो रही थी और अभी जो है लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। हम भी जाएंगे, लाइन लगाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो सुबह जहाँ हम स्नान करने गए थे, फिर से हम जा रहे हैं वहीं पर, क्योंकि वहीं पर पूजा पाठ हम करेंगे सभी लोग। ये लड़की ने सूट पहना है, ये देखो सभी पीछे आ रहे हैं। बोल बम बोल बम। ये पूरा घाट सुबह स्नान किया। जय माता दी। यहाँ हमने सुबह पूरा स्नान किया है। अच्छा ये लाइन लगती क्या सही? ओ माय गॉड। यहाँ सुबह हमने 4 बजे आके स्नान किया है। अभी चीसो चीसो पानी में लाइन लगी है, पर लाइन से लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, लंबी लंबी लाइन लगी है। ये पानी ही लंबा था। ये गंगा जी बह रही है यहाँ पे। ये सुबह हमने भी यहीं पर स्नान किया है। बढ़िया। तो हम जो है लाइन में लग चुके हैं पूजा करने के लिए। अब नंबर जब आएगा उसके बाद हमारी पूजा पाठ होगी। और ये घाट है, सुबह 4 बजे हम इसी घाट में आके स्नान करके गए गंगा स्नान। तो हमारी पूजा के सामान में, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, देखिए यहाँ पर बत्ती भी है और ये क्या बोलते हैं इसे, लगे मंजन ध्वजा भी है यहाँ पे, यानी बेलपत्री भी है। तो हमारी पूजा की थाली तैयार है और हम यहाँ पर लंबी लाइन लगी है। देखिए लंबी लाइन लगी है और वहाँ त्या जाने, हम ले वहाँ पर हमको जाना है वो पूजा करने वहाँ पर, और ये लाइन में आगे बढ़ेंगे उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो मेन मंदिर में पूजा करने से पहले हमने जो है घाट में एक छोटे से शिवलिंग बनाए और हम सभी ने यहाँ पर पूजा की। हालांकि मुझे पूजा करने का इतना प्रैक्टिस नहीं है, बट मैंने पूछ के ये देखिए पूरी पूजा अर्चना की। इसके बाद जो है घाट पर जाके जल भी चढ़ाया और उसके बाद जो है जाकर फाइनली लंबी लाइन में लगने के बाद जो है मंदिर में पूजा अर्चना की है। पानी बड़े हो ना पूजा कर लाइन से। आप देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लगी, देखिए यहाँ से घूम के इतना लंबा घूम के वहां से तब यहाँ पर आई है। तो अभी हम लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं जल लेकर प्रसाद लेकर अपना अपना, और इतना लंबा वो घूम के पूरा तब हमारी बारी यहाँ पर आई है। हालांकि हमने यहाँ पर घाट में पूजा कर ली है,
और अब हमारी बारी यहाँ पर पूजा करने की। लाइन से शिवलिंग लगे हुए, देखिए ना लाइन से शिवलिंग लगे हुए हैं, पूजा होगी। अब तो हमारा नंबर आएगा, वो वहाँ पर जाएंगे, लाइन में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। देखिए शिवलिंग कहाँ से बनाई गई, यहाँ से शिवलिंग बनी है पूरी, यहाँ से ये यहाँ से लेके फिर ऊपर की तरफ शिवलिंग जाइए। देखिए और हर एक शिवलिंग को पूछते हुए लोग जा रहे हैं और वहाँ से आके मंदिर में खत्म हो जाए। लाइन से पूरी शिवलिंग में हम भी पूजा करते हुए जाएंगे और बेलपत्र चलाते हुए जाएंगे। नाइस, दिस इज वेरी नाइस। पूरे मंदिर की पूजा पाठ मैंने कर ली है, आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली लाइन से कहाँ से कहाँ पूजा कर रहे हैं, नीचे से हालांकि शिवलिंग को पूजते हुए आए थे, इसके बाद यहाँ पर पूजा, यहाँ से पूजा करते हुए आते आते फिर यहाँ पर पूजा लाइन से। अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? आउनु इता आउनु। ओ आयो आयो। इसके बाद हमने यहाँ पर पूजा करी। जय हो अग्नि देवता की, जय हो। हमारी ख़त्म हो गई है, बहुत लंबी लाइन लगी थी पूजा करने के लिए और बहुत मुश्किल से जो है पूजा पाठ किया है, क्योंकि आज सावन का जो है आखिरी सोमवार है, इसीलिए बहुत भीड़ यहाँ पर है, बहुत भीड़ है क्योंकि घाट के पास है, संगम नदी के पास ये मंदिर बना हुआ है, इसीलिए बहुत भयंकर भीड़ है। और एक घंटा हमको लग गया पर लाइन लगाने में, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर संगम नदी, और बहुत भीड़। अभी भी सोचिए हमने पूरी लाइन ख़त्म कर दी और अभी तक लाइन ख़त्म नहीं हुई है, लंबी लाइन अभी तक वहाँ तक लगी, वो अंत तक लाइन लगी है, तो बहुत भीड़ है। देखिए एक नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से, और एक नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, तो काली गंडकी और त्रिशूली का संगम है, और संगम इसे कहते हैं। और संगम में जो है सुबह से लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, बहुत भीड़ है संगम में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देवघाट को लोग बहुत मानते हैं क्योंकि बहुत हिंदुओं का तीर्थ स्थल है ये, बहुत बड़ा। तो संगम नदी के किनारे पूजा पाठ हमने कर लिया है, हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, अपने आश्रम की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी ये पूजा होगी, मम्मी पापा भी पूजा करेंगे वहाँ पर।